आइए तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो लेसन है तरबियत, ये हमारा जमात चहरुम और माहौल का मुताला अव्वल, इसका एक सबक है। मैं जो इस सबक का जो मवाद है वो कुछ इस तरीके से है कि तलबा को बताया गया है कि उनकी तरबियत किस तरीके से हुई, जब छोटे थे यानी जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक उनकी जो तरबियत हुई वो किस तरीके से हुई, उनकी इस तरबियत में किन किन लोगों का किरदार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज का वक्त जो है काफी जो बच्चे हैं वो घर में रहते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और किसी ने अगर उनको कोई सलाह दी, पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपको कोई सलाह दे तो आप उसको सुन लेते, मशवरे को सुनते थे, मगर आज के जो बच्चे होते जल्दी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे इस जनरेशन के बच्चों को ये बताना कि आपकी जो तरबियत है वो अच्छे से होना बहुत जरूरी है, आपके किरदार में अच्छी आदतें आना बहुत जरूरी है। इन अच्छी आदतों को और अच्छे कामों को सीखने के लिए या फिर सिखाने के लिए सिर्फ आपके वालिदैन ही काफी नहीं होते, बल्कि इन चीजों को सिखाने के अंदर आपके रिश्तेदारों का, आपके पड़ोसियों का, आपके दोस्तों का बहुत अहम किरदार होता है। इसी के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपके दोस्त है, अड़ोसी पड़ोसी है, उनके जो है अच्छी आदतों को हमें सीखना चाहिए, और जो हमारे पड़ोसी है इनके साथ में हमें घुल मिल के रहना चाहिए, इनके साथ में, इनके बच्चों के साथ में, पड़ोस के बुजुर्गों के साथ में हमने वक्त गुजारना चाहिए, ताकि हम हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे अच्छी आदतें और अच्छी चीजें सीख सकें। तो ये सारी जो चीजें हैं सबक का मवाद है, इस सबक के जो आमोजिश हासिल है मवाद को देखने के बाद में हमने इस सबक के लिए हमने कौमी पॉलिसी 2020 से समाजी, जज्बाती और अखलाकी तरक्की इस शोबे का इंतखाब किया। इस शोबे और आमोजिशी महासिल को हासिल करने के लिए हमने इस लेसन में मुख्तलिफ अकसाम की एक्टिविटीज दी हैं, और इसी के साथ साथ में वीडियोस में भी हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके पड़ोसी किस तरीके से एक अहम किरदार अदा करते हैं।